बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। किसानों के लिए आफत की बारिश, हजारों किसानों का पुल से टूटा संपर्क। बिजनौर गंगा के किनारे खेती करने वाले किसानों के लिए पहाड़ों पर हो रही बारिश आफत बनकर टूट पड़ी है। इस बारिश से गंगा किनारे खेती करने वाले किसानों की सभी फसलें जगमगन हो गई है। साथ ही गंगा के उस पार गन्ने की खेती करने वाले किसान गंगा की धार को पार करके नाव से खेती करने के लिए गंगा के उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। गंगा के उस पार आने जाने वाले अस्थायी पुल भी इस गंगा के तेज बहाव में पुल का कुछ हिस्सा बह गया है, जिसके बाद से गंगा के उस पार जाने वाले हजारों लोगों को नाव या 60 किलोमीटर घूमकर अपनी खेती करने जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? विकार भाई, ये जो पुल टूटा है, पुल कल नदी में पानी ज्यादा आ गया, ज्यादा बहाव आने के बाद करंट टूट गया। अच्छा, क्या बीच में टेम्पो बने हुए थे, मिट्टी लगी हुई थी? नहीं, बीच में मिट्टी थी, खाली था, इधर था पुल, उधर था, बस बीच में खाली था, बीच में छिल्लर था ना, तो उसकी वजह से। तो इस पुल के टूटने से कितने गांव के लोगों को नुकसान हुआ? गांव के तो पूरे एरिया के सारे आधे बिजनौर को नुकसान है, सारे सुक्करताल जाने वालों को सबको नुकसान है। अच्छा, मुजफ्फरनगर जाने वालों को बहुत लोगों को नुकसान है इस पुल टूटने से। अब लोगों का गन्ना खड़ा उधर, वो गन्ना इधर को लाना पड़ेगा 20-50 किलोमीटर घुमा कर, बहुत नुकसान है इस पुल में। अच्छा, ये बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो खेती करने जाते होंगे, रोज सुबह इधर आते होंगे वापस? करना भी देखो, कम से कम 25 गांव के लोग इधर खेती करने जाते हैं, बिजनौर के 25 गांव के लोग। तो सब अब कैसे जा रहे हैं? अब तो नाव के जरिए जाएंगे या उधर से बैराज से घूम के जाएंगे? नाव के जरिए जाएंगे, जो गन्ना खड़ा हुआ तो बहुत मुश्किल से आ गए। नाम है आपका? हरविंद सिंह। हरविंद जी, आप यहाँ खड़े हैं, कहाँ जा रहे थे आप अभी? अपनी खेती पे, पार गंगा पार खेती है आपकी। ये पुल क्या है, टूट गया पुल? पानी आ। अच्छा, पानी टूट गया। अब आप लोग जो आप गन्ना खड़ा है, जो आप कैसे आना जाना करोगे उधर से, कैसे अपनी फसल? नाव से। नाव से? नाव से रिस्क नहीं है? रिस्क नहीं है, रिस्क तो है ही है, अभी जब है ही है उधर सब बाहर वाला खेती उधर, तो करना तो पड़ेगा। अच्छा, ऐसा वहाँ से लाते हुए नाव डूब जाती हुई, लोग जान भी चली जाती होंगी? वो तो जाती हैं, आगे 25-26 आदमी मरे थे अभी। हाँ, फिर नहीं होगा, 2-3 साल होगा। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद है कि पुल बन जाएगा जल्दी है? अभी कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, अब गन्ना नाव के द्वारा या कोई और रास्ता नहीं है गन्ना लाने का? कोई रास्ता नहीं, नाव से लाओ। नाव से पूरा रिस्क है? हाँ जी, पूरा रिस्क। क्या नाम है आपका? दीपचंद जी। दीपचंद जी, आप क्या करते हैं यहाँ? जी यहाँ चौकीदारा करते हैं। पुल, ये पुल कब बना था? ये दीपावली के बाद बना था। ये कल टूटा है, कैसे टूटा है? ये कल पानी के तेज भाग आने के वजह से टूटा है। अच्छा, इस पुल के रास्ते से लोग गंगा पार कर कितने लोग जाते हैं, कितने लोग आते हैं लगभग इधर? कम से कम हजारों से ऊपर जाते आते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने गाँव की खेती होगी गंगा पार? करीबन यहाँ 14-15 गाँव की खेती होगी गंगा के उधर। और कुछ लोग इधर आसपास के जाने आने वाले भी हैं? हाँ, बहुत आने जाने वाले भी हैं, और आप जैसे भी घूमने आने जाने वाले भी हैं। जी, अच्छा, अब लोग कैसे आ जाएंगे वहाँ? बस जब के आप तो नाव से उतरेंगे। अच्छा, पानी का तेज भाव आया, बह गया, और हमने जो मदद करनी कर ली। अच्छा, अब क्या करो? तो जो लोग गन्ना खड़ा हुआ है उधर, वो इधर कैसे आएगा? अब नाव से आवेगा जी। नाव से? हाँ जी, जोड़े चलाएंगे, जोड़े बन लेंगे, जोड़ से आवेगा। अच्छा, ये पुल बनने की उम्मीद करते हैं, कब तक बन जाएगा ये पुल? बस अब क्या बनेगा, अब नहीं बनेगा, हो सके कभी अभी खड़ा लगेगा, गवर्नमेंट की बात है। अच्छा, ऐसा भी है कि यहाँ गंगा पार से जब गन्ना लाते हैं तो लोग गोगी नाव डूब जाती है, कई बार हादसे हो गए? कहीं हादसे हो गए जी, कहीं डूबते हैं, क्या करें बताओ, जीवन उत्पन्न करना तो। कितने लोग अब तक जान गंवा चुके होंगे इस तरह? करीबन यहाँ तो सोइयों के आस पास आदमी जान गंवा गए, परिवार का परिवार नष्ट हो गया। अच्छा जी, तो सरकार ने तो यहाँ स्थायी पुल नहीं बनाया ना?